हाय गाइस, परवल का बहुत टाइप का सब्जी आप लोग बनाते हैं, लेकिन ये एकदम भेज एक रेसिपी है और जो आप लोग ऐसे ही नाश्ता में भी खा सकते हो। तो इसके लिए मैं परवल लिया और उसके अंदर से आप लोग देख सकते हैं चम्मच से जितने सारे अंदर सीट था सब निकाल के अंदर होल बना लिया। अब इसके अंदर स्टफिंग करने के लिए मैंने कोकोनट लिया और इसके साथ 4 से 5 ग्रीन चिली लिया और सॉल्ट लिया। लेने के बाद इसको मिक्सर ग्राइंडर में मैंने क्रश कर लिया और उसके साथ मैंने मिलाया हल्दी पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, फिर गरम मसाला और हींग। ये हींग में बहुत अच्छा एक खुशबू आता है गाइस। अभी सभी मसाला को एक साथ हम लोग मिला देंगे और मिलाने के बाद परवल के अंदर इस स्टफिंग को देंगे। गाइस, आप लोग हाथ से भी कर सकते हैं, स्पून से भी कर सकते हैं, लेकिन अंदर अच्छे से स्टफिंग करना गाइस, जैसे खाने में मज़ा आ जाता है। गाइस, ये बिल्कुल वेज है, इसमें प्याज लहसुन कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग बोलता है जे आप एकदम भेज दीजिए जिसमें प्याज लहसुन भी ना चले, तो इसलिए मैंने ये परवल वाला दिया। ये थोड़ा अलग होता है लेकिन फ्राई करके खाने में बहुत मज़ा आता है। ये चावल के साथ, पुलाव के साथ भी आप खा सकते हो और ऐसे तो चाय के साथ गरम गरम ओह मज़ेदार लगता है गाइस। मैं चारों के चारों परवल में स्टफिंग कर लिया। अभी एक बाउल में 1 चम्मच बेसन लिया, 1 चम्मच चावल के आटा लिया, नमक लिया, थोड़ा हल्दी पाउडर और आपका स्वादानुसार मिर्च पाउडर मिलाइए। अब सभी एक साथ मिलाने के बाद इसको थोड़ा पानी डाल के एक बैटर करेंगे। बैटर ना ज़्यादा पतला होएगा ना ज़्यादा ठीक होएगा, क्योंकि इसी बैटर के अंदर हम लोग परवल को डीप करके फ्राई करेंगे। अभी गैस में थोड़ा ऑयल तो ज़्यादा ही देना पड़ेगा क्योंकि हम लोग डीप फ्राई करेंगे, तो ऑयल गरम करने के बाद ही गैस का फ्लेम को मीडियम में दे देंगे और सभी परवल को अच्छे से बैटर में डीप करेंगे। ज़्यादा के ज़्यादा जिस साइड में परवल का होल था उस साइड में हम लोग थोड़ा इसका बैटर ज़्यादा देंगे और पूरा परवल का इसका बैटर लगा के हम लोग फ्राई करने के लिए दे देंगे और गैस का फ्लेम को लो में कर देंगे। ऐसे करके गाइस सभी परवल, इधर तो मैंने ज़्यादा नहीं किया, इस बार जस्ट 4 ही परवल किया, 4ों परवल को हम लोग बैटर लगा के ऐसे फ्राई करने के लिए दे दिया और फ्लेम को लो टू मीडियम में और ज़्यादा के ज़्यादा लो में ही रखना है, क्योंकि हम लोगों को परवल को भी बॉयल करना है और इसको चारों तरफ अच्छे से गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई भी करना है। सिर्फ ऊपर से गोल्डन हो गया और अंदर से परवल कच्चा रहेगा ऐसा ना होए फ्रेंड्स। इसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रख के इसको धीमी धीमी करके फ्राई करना है। आप लोग देखिए मेरा इधर 4ों के 4 परवल हो गया और बहुत ही क्रिस्पी हुआ, अच्छा हुआ, मस्त हुआ। तो गाइस अब इसको से बाकी है सॉस के साथ खाने के लिए, तो फटाफट आप घर में बना के सॉस के साथ खा के मुझे बोलिए जी आपको ऐसे वेज परवल का रेसिपी कैसे लगा। फिर मिलेंगे नया कोई वीडियो में।